हाय दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कच्चे आलू का फारा, जो कच्चे आलू से बना हुआ है। तो आप हमारे तरीके से एक बार बनाकर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट बनता है। चलिए, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जो भी कोई नई रेसिपी लेकर आऊँ आप तक पहुँच सके। तो ये मैंने एक कच्चा आलू ले लिया है, इसको अच्छी तरह से छील कर साफ़ कर लिया है। अभी इसको बारीक बारीक काटेंगे चिप्स के जैसे। पहले लंबे साइज में काट लेते हैं, ये देखिए एकदम बारीक बारीक काटेंगे। ये देखिए सारे हमने काट लिया है, पांच छह साइज के काट लिया है देखिए। तो अभी इसको लंबे लंबे साइज में काटेंगे, आलू भुजी की तरह, जैसे आलू भुजी बनाते हैं काटते हैं वैसे ही काटेंगे लंबे साइज में। काट कर पानी में, साथ साथ में पानी में डाल देंगे, नहीं तो काला पड़ जाता है। ऐसे ही पूरे आलू को काट लेंगे हम लंबे लंबे साइज में। तो दोस्तों एक बार बनाकर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट लगता है कच्चे आलू से फारा बनाते में। लोग तो सिंपल फारा बना लेते हैं, ऐसे ही आटा बच जाता है, थोड़ा सा पतला वाला फारा बनाकर खा लेते हैं, लेकिन एक बार उसमें हमारे तरीके से कच्चे आलू डालकर बनाइए, बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट लगेगा, बच्चे बहुत खुश होकर खाएंगे। बच्चों को आलू तो बहुत पसंद होता है, तो आपका फारा भी बहुत सुंदर बनेगा, टेस्टी एकदम, बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे, टिफिन में भी ले जा सकते हैं इसे। तो चलिए, एक हमने कॉटन का कपड़ा ले लिया है, अभी उस पर हम डाल देते हैं, इसको रख देते हैं, अच्छी तरह से सुखा लेंगे, इसे पोंछ लेंगे पानी सारा, एकदम सूखा सूखा कर लेंगे इसे। ये देखिए काफ़ी हद तक सूख गया है, पोंछ देते हैं अच्छी तरह से पानी। तो देखिए हमने पोंछ लिया है, इसको निकाल लिया, बिल्कुल सूखा हो गया एकदम। तो इसमें हम मसाले ऐड कर लेते हैं, ये देखिए हमने मैगी मसाला लिया है आधा चम्मच, आप चाट मसाले का भी यूज कर सकते हैं। ये हमने जीरा पाउडर लिया आधा चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच, आमचूर डाला है एक चुटकी, और हल्दी पाउडर आधा चम्मच छोटा चम्मच से, नमक स्वाद अनुसार डाल लेंगे आधा चम्मच, आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा डाला हमने, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। तो अच्छी तरह से मिक्स करके इसे रख देंगे हम, जो आलू का पानी छोड़ेगा उसको अलग करना है पानी को, तो इसको 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। अभी हम एक प्लेट से इसको ढक कर रख देंगे। तो चलिए अभी अपना आटा भी ले लेते हैं, तो ये हमने चावल का आटा लिया है 2 कप, इसमें नमक डालेंगे थोड़ा सा, अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं इसको। ना पानी ले लिया हमने, गुनगुना पानी है, गर्म पानी, तो इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, गून लेंगे अच्छी तरह से इसे, ठीक ठीक गुनेंगे इसे, ज़्यादा ना टाइट हो ना पतला हो गिल्ला, तो अच्छी तरह से इसे गून लेते हैं आटे को। ये देखिए हमने गून लिया है आटे को, ये चावल का आटा है, ये आटा गुन चुका हमारा। अभी एक थाली ले लेते हैं, प्लेट, थोड़ा थोड़ा इसमें तोड़ तोड़ कर आटे को, ये देखिए छोटा छोटा एकदम बिल्कुल हाथ से बन जाएगा, ये चौकी बेलना की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, छोटा छोटा ऐसे बना लेंगे, पतला पतला, ज़्यादा मोटा ना हो, छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लेंगे हाथों से। ये देखिए एक और बना लेते हैं, बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट बनता है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करें दोस्तों, और कमेंट में बताएं हमें कि कैसा लगा है। ये देखिए हमने आलू ले लिया है जो मिक्स करके रखा था, अभी एक एक आलू इस पे हम रखेंगे, ये देखिए, और अच्छे से ऐसे फोल्ड करके ब्रिक ब्रिक बना लेंगे इसे हाथों से ऐसे करके। इसको हम बोलते हैं चूहा फारा, यूपी बिहार में बहुत मशहूर होता है। ये देखिए
ऐसे ही सारे आलू डालकर ऐसे ही हम बना लेंगे। बहुत ईजी है दोस्तों बनाना। ये देखिए इसके अंदर रखेंगे और फोल्ड करेंगे, बन जाएगा। तो ज़्यादा झंझट नहीं है, ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें, आराम से आप 2 मिनट में बना सकते हैं इसे। ये देखिए ऐसे ही सारा बना लेंगे हम। ये देखिए हमारा चूहा फारा बनकर रेडी हो चुका है। तो अभी हमने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, और एक छन्नी ले लेते हैं, उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे अच्छी तरह से। पानी हमारा गर्म हो रहा है, इस पर रख देते हैं और सारा फारा इसमें हम डाल देंगे ऐसे ही। 10 मिनट में बन जाएगा दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस भाप से इसको बनाना है, बिना तेल मसाले का बन जाएगा। बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट बनेगा और हेल्दी भी है बच्चों के लिए, तो आप इसको टिफिन में ज़रूर दें, बच्चों को बहुत पसंद आएगा और घर पे भी खाएं। तो चलिए इसको हम ढक देते हैं, 10 मिनट के बाद चेक कर लेंगे। ये देखिए अभी हमारा फारा बनकर रेडी हो चुका है बिल्कुल, और आलू भी गल जाएगा अंदर, कच्चा नहीं रहेगा बिल्कुल। ये देखिए आलू भी गल गया है, तो अभी हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर अच्छा फारा बनकर हमारा रेडी हो चुका है, बच्चे भी देखकर खुश हो जाएंगे। आप चाहें तो इसको फ्राई भी कर सकते हैं, मैं फ्राई नहीं करती हूँ, ऐसे ही बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए ये देखिए आलू भी गल गया है। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।